अपीयर करने वाले हैं उनकी बोर्ड की रिवीजन शुरू करते हुए एक एक डिफरेंट से पैटर्न में जो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है उनकी बोर्ड की रिवीजन शुरू करते हुए उनको जे के फर्दर रिमेनिंग अटेम्प्ट्स जो हैं उनके लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस नीट के अटेम्प्ट तक के लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस और जे एडवांस तक के लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस जो है वो सारी इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे आ, हम लेकर चलेंगे राइट right. तो अभी जो शेड्यूल हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल के लिए वो एक ही वीक का है ताकि इस वीक में हमें पता चल जाए कि हमारी एज अ स्टूडेंट प्रिपरेशन में एफिशिएंसी कितनी आ रही है इस वीक के बाद लाइक like अगले वीकेंड पे हम कोशिश करेंगे जो शेड्यूल डिस्कस करें वो एक एक ज्यादा बड़े ब्रैकेट के लिए करें सो so दैट एक longer रन वाली प्लानिंग जो है वो आपको भी समझ में आ जाएगी और हमें भी समझ में आ जाएगी कि आप कितने एफिशिएंटली उसको कर पा रहे हो, ठीक है? तो अभी तक का जो इस वीक का शेड्यूल है लाइक टुडे इज मंडे तो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे अप टू संडे तक का जो शेड्यूल हमने लिया है उसमें आपकी रिक्वेस्ट जैसे जैसे आई है जिन जिन चीजों uh, के लिए आपने डिमांड की है या पहले हमारी बात हो चुकी है उन चीज़ों को ही अवेल कराया जाएगा पहले सो so दैट आप सबकी जो डिमांड है आप सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले वीक में सक्सेसफुली आप तक पहुंच जाए आप अपने एंड से जितनी मेहनत कर सकते हो उस पर आप पूरी मेहनत कर पाए है ना हमारा हमारा सपोर्ट हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हम हमेशा आपके साथ खड़े थे खड़े हैं और आगे भी हमेशा खड़े रहेंगे और आ, बिल्कुल हम खुद भी नहीं रुकेंगे और आपको भी रुकने नहीं देंगे खुद भी नहीं थकेंगे और आपको भी थकने नहीं देंगे है ना तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी हमें रुकना नहीं है कभी हमें थकना नहीं है बस चलते चले जाना है पॉजिटिवली मन से स्ट्रांग होकर ठीक है तो दिस विल बी अ शेड्यूल फॉर ट्वेल्थ बोर्ड नीट अपियर स्टूडेंट्स तो देखिए क्या है शेड्यूल में तो अभी जो ये शेड्यूल है ये केवल कब तक के लिए लिया है भाई हमने ये केवल लिया है हमने एट्थ मार्च से लेके फोर्टीन मार्च तक एट्थ मार्च से लेके फोर्टीन मार्च तक यानी इस वीक का ये शेड्यूल है जिसमें आज की तारीख में हम बात कर सकते हैं कि मंडे एट मार्च यानी आज के बारे में अगर हम बात करें तो हम बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स का एंड गेम सेशन देखने वाले हैं एंड गेम सेशन का क्या मतलब है भाई अभी कुछ टाइम पहले आपने बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स का अपना वन शॉट जो है वो शुरू किया था वो सिर्फ आपको एक अंदाजा देने के लिए था कि भाई हमारे वन शॉट वीडियोज जो हैं वो इस तरीके के आने वाले हैं सर तो हम उनको किस माइंडसेट uh, के साथ बैठ के करेंगे क्या हमारा टेम्परामेंट होगा क्या हमारा स्टडी का शेड्यूल होगा वन सेटिंग में करेंगे कि मल्टीपल सेटिंग्स में थोड़ा आज थोड़ा कल थोड़ा परसों ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करवाने के लिए एक पार्ट ऑफ वन शॉट मैंने आपको पहले दिया था उसका जो एंड गेम वाला पार्ट है यानी कि जो फाइनल कंप्लीट वन शॉट है uh, वो आपको आज ही मिल जाएगा ठीक है तो आपका बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स जिसमें हमने पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएशन किया क्यों जाता है कब जाता है कैसे जाता है और उसकी एप्लीकेशन यानी स्लोप निकालना मैक्सिमा मिनिमा इन सब के बारे में चर्चा की है उसके बाद हमने इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है कब किया जाता है क्यों किया जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन जोमेट्रिकली एरिया देता है जिस प्रकार से सिंगल डेरिवेटिव सिंगल टाइम डिफरेंसीशन जोमेट्रिकली स्लोप देता है डबल टाइम डिफरेंसीेशन ज्योमेट्रिकली कॉन्केविटी देता है उसी से मैक्मा मिनिमा पता चलती है ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेशन जो है वो जोमेट्रिकली एरिया देता है ये सारी बातें जो है हमें इसमें करनी है ठीक है इसके बाद मैंने उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरा जो भी जितनी भी फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होने वाली है उस पूरे को पैक किया है और लोगथम का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे बच्चे लोग कि भाई लोगेरेथम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए केमिस्ट्री में ऐसा लगता है कि फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है और फिजिक्स में कई बार ऐसा जम्पन आता है कि केमिस्ट्री में सीख लेंगे क्योंकि फिजिक्स में भी यूज़ होता है तो बिना 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 ये एक्सपेक्ट किए कि आप कहीं और सीखेंगे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में उसी में लोगथम के बारे में भी डिटेल uh, में डिस्कस किया है तो आपको मजा आएगा सारी चीजें समझ में 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 आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम उसमें मैंने इंक्लूड किया है हाउ टू टेक एलिमेंट्स यानी पूरी फिजिक्स इंटीग्रेशन में, में बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या तब होती है जब वो डिस्ट्रीब्यूशन uh, uh, के बारे में बात कर रहे होते हैं ठीक है तो उस बारे में भी हमने डिस्कशन किया है कि एलिमेंट्स कैसे लिए जाते हैं एलिमेंट्स क्यों लिए जाते हैं अर्थ क्या होता है एलिमेंट्स लेने का ठीक है रॉड पे रिंग पे डिस्क पे आगे चल के स्पेयर पे कोन पे सिलेंडर पे ये सारी चर्चा तो एक 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 ओवरव्यू हमें मिल जाएगा कि आगे की फिजिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं ठीक है थेके? और आगे की चीजों को रिवाइज करने से पहले या जेई नीट के लिए या किसी भी ट्रैक को इलेवेंथ या ट्वेल्थ के ट्रैक को शुरू करने से पहले हमें इतनी बातें तो आनी ही चाहिए ठीक है

पर एक साथ यार आप लोग क्या पता शायद मैनेज ना कर पाओ क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना जब उसे करना ही दो सेटिंग में है एक सेटिंग में हो ही नहीं सकता इतना लंबा पार्ट ठीक है जब उसे करना ही मल्टीपल सेटिंग में है तो क्यों ना मल्टीपल मल्टीपल स्लॉट्स लेकर चले और उसको चेकलिस्ट की तरह यूज करेंगे और सामने टिक लगाते जाएंगे कि सर ठीक है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया ठीक है तो बुक वन की जितनी भी डेरिवेशन है वो यहां हम डिस्कस कर लेंगे बुक टू की जो डेरीवेशनस हैं वो आपको बैक टू बैक वो वेनजडे मिल जाएगी आपको फिर वन शॉट डिवाइसेस के बारे में बात है भाई हमेशा मैक्सिमम पेपर अगर आप बोर्ड एग्जाम के बारे में भी बात करें तो डेरिवेशन और डिवाइसेस बेस्ड ही आता है और अगर हम जेई के ट्रैक को भी करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमें डेरीवेशन को डिवाइसेस को और वन शॉट ऑफ चैप्टर्स वन शॉट ऑफ चैप्टर्स को भी एक एक करके डिटेल में डिस्कस करना चाहिए ठीक है उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि फ्राइडे को ट्वेल्थ मार्च को हमने वन शॉट डिवाइसेज जो हैं वो डेडिकेट किए हैं ट्वेल्थ मार्च को यानी फ्राइडे को इसी वीक में हमें डिवाइसेस मिल जाएंगे और उसके बाद संडे को हम संडे तक हम वन शॉट सेमी जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है वन शॉट सेमी कंडक्टर्स यानी चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर जो है ये शुरू हो चुका है कंप्लीट चैप्टर ठीक है सो यहां पे आप कंप्लीट चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है एंड मेनी मोर टू गो ठीक है ये चलता रहेगा ये सिलसिला जो है चलता रहेगा क्योंकि ये इसी वीक का शेड्यूल है तो आपके माइंड में बात बैठ गई होगी कि इस वीक में आप कितनी सारी मेहनत करने वाले हो कितना सारा काम करने वाले हो है ना तो बिना रुके बिना थके ये मेहनत करते जाना है हमें क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है और तब तक तो हथियार बिल्कुल भी नहीं डालने जब तक पॉजिटिवली हमारा रिजल्ट ना आ जाए फोड़ना है मचाना है बच्चों सिलेक्शन लेकर दिखाना है तो शुरुआत बेसिकली हमने ट्वेल्थ बोर्ड के रिवीजन से की है मगर ये अंत नहीं है पिक्चर अभी बाकी है अभी हम इसके बाद जी और नीट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर डे ये सारी चीज़ें प्लान करेंगे लेकिन उससे पहले साथ मिलकर एक हफ्ते में दम लगा के एकदम फोड़ के दिखाते हैं दम लगा के सारी चीजें करके दिखाते हैं वहां आप अपने एंड पे मेहनत कीजिएगा इन चीजों को कंप्लीट करने के लिए यहां हम मेहनत करेंगे इन चीज़ों को आप तक डिलीवर करने के लिए ठीक है अपना सपना सबका एक ही है हमारा सपना यह है कि तुम्हारा सपना साकार हो और तुम्हारा सपना यह होना चाहिए कि भाई हमें नदी के उस पार जाना है नदी क्या है हमारी प्रिपरेशन हमारे एग्जाम्स करिकुलम उस पार क्या है हमारी मंजिल हमारा रिजल्ट हमारा सक्सेस ठीक है तो बस चलते रहो मुस्कुराते रहो और अपना हंड्रेड परसेंट एफर्ट डालते रहो शेड्यूल ऐसे ही फॉलो करेंगे टाइमिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूँ पावर कोर्स जो है पावर कोर्स जो है पावर कोर्स ये किसके लिए है ये किसके लिए है यह है फॉर एलेवेंथ गोइंग टू ट्वेल्थ स्टूडेंट्स आपके जितने भी जूनियर भाई बंधु कोई भी हो आपके जूनियर स्टूडेंट्स आपसे गाइडेंस लेते होंगे तो उनके लिए बैच शुरू हो चुका है आप बता सकते हैं उनको फॉर इलेवेंथ मूविंग टू टूवेल्थ स्टूडेंट्स ठीक है और डेली इस पे लेक्चर आ रहे हैं 3 पीएम, 5 पीएम और सेवन पी एम थ्री पी एम फाइव पी एम और सेवन पी एम ये टाइमिंग हम फिक्स रखेंगे और ये जो मैंशन टाइमिंग है इस पर सब्जेक्ट क्या क्या होंगे तो भाई तीन बजे आएगा हमारा फिजिक्स का लेक्चर और इसका भी प्रॉपर शेड्यूल वीकली में क्या होना है और मंथली में क्या होना है ये भी आपको बता दिया जाएगा सो so दैट जो बच्चे आप में से ट्वेल्थ ऑब्वियसली ट्वेल्थ अपीयरिंग स्टूडेंट्स से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप में से जो बच्चे वैसे तो बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर कर चुके हैं यह लगभग प्रिपेरेशन हम लोग साथ में ही करने वाले हैं फिर भी अगर उनका कोई पुराना टॉपिक वीक है कोई पर्टिकुलर लेक्चर में वो कुछ देखना चाहते हैं तो आप भी उस शेड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो तीन बजे का लेक्चर जो आएगा हमारा वो फिजिक्स का आया करेगा पांच बजे वाला लेक्चर जो है वो मैथ्स का होगा ठीक है और सेवन पीएम पे हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा ठीक है तो अभी ये रोज की रोज लेक्चर का यही पैटर्न है पर हमारे पास आपके लिए यानी इस बैच के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे ये लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उनके लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट पहले जैसा कि फिजिक्स में कहते हैं ना कि थोड़ा सा मोमेंटम बन जाने देते हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम बन जाने देते हैं कोर्स का धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अभी तो डेडिकेटेडली एक 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 करके ही आ, सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया जा रहा है लेकिन इसके बाद सैम्पल पेपर डिस्कशन वगैरह वो सारी चीज़ें पिक्चर में लाई जाएंगी ताकि सभी तरीके के बच्चे जो हैं उसका बेनिफिट

नीट एस्पिरेंट्स जो है भाई बोर्ड के लिए तो उनको भी गाइडेंस मिल ही रही है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो स्पेशलाइज लेक्चर जो चल रहे हैं हमारे उनको फॉलो करेंगे तो उनके लिए नीट की फिजिक्स और नीट की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगी ठीक है काफी स्कोर कर पाएंगे आप लोग सो नीट एस्पिरेंट्स शुड फॉलो पी एन सी इन द ट्रैक पी एंड सी इन द ट्रैक ठीक है जी तो मुझे लगता है कि हमें हमारी सारी बातें आप तक पहुंच गई हैं आपको समझ में आ गई हैं शेड्यूल क्या है पावर कोर्स वाले बैच का ये भी समझ में आ गया होगा और आप लोगों को जो मेजरली रिवीजन स्ट्रेटजी शेयर की गई है वो हमारी नज़रों के सामने है इस वीक इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद लास्ट डे पे यानी संडे पे मिलते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या आ, कितनी एफिशिएंसी कितनी इफेक्टिवनेस रही हमारे इस स्ट्रैटेजी की साथ में ठीक है तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जोरों शोरों से एकदम मेहनत कीजिए ठीक है इस हफ्ते एकदम जान लगाएंगे यार बिल्कुल कड़ी मेहनत करेंगे और देखेंगे वीकेंड पे जज करेंगे कि हमारा ये जो वाला जो वीक है वो अकेडमिकली कितना ज्यादा प्रोडक्टिव रहा ठीक तो चल ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए